अस्सलाम वालेकुम, माय यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको ट्राउज़र का बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन सिखाएंगे। ये हमने डबल फोल्डेड बुकरम लिए, लेडीज़ बुकरम जिसको बोलते हैं, नेक वगैरह बनाते हैं, तो उसके हमने इस तरीके से डबल करके 3.5 पे हमने इसको मार्क किया। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ भी 3.5 पे हम इस निशान लगाएंगे। स्ट्रेट हमने इसकी लाइन लगा ली है 3.5 पे। अब तकरीबन हम हाफ हाफ इंच का, अगर आपको पट्टी ज़्यादा चौड़ी रखनी तो हाफ इंच से आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ इंच की पट्टी रख ली है। इस तरीके से हमने इसके साथ साथ निशान लगा लेने, उसकी फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। निशान लगा के हमने इसको स्ट्रेट बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लिया। हमने इसकी इसके साथ हम कटिंग कर देते हैं। जो हमने निशान लगाया था उसी पे ही हम कटिंग करेंगे। हाफ हाफ इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है, हमने सिलाई का मार्जिन इसमें रखा है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे 4 पीस हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये एल शेप के तकरीबन हमारी कटिंग हो गई है। तो जो कपड़ा था वो मैं जो ट्राउज़र की कटिंग में से निकला था वही कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था नहीं। तो ये मैंने अलग अलग पीस के 4 पीस मैंने कटिंग कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको रख के एक दूसरे के ऊपर डबल करके इसको इस तरह सिलाई लगाएंगे। हम इसकी कटिंग कर देते हैं। हाफ इंच हमने इसमें सिलाई का छोड़ना है, फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसके दरमियान में हमने इस तरीके से कट लगाना है और इसको इस तरीके से हमने इसको सीधा करना है। इस तरीके से हमने इनको सीधा कर लिया। अब जितनी हमारी बुकरम थी उतना हमने इसको कपड़े को फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसके साथ हमने इसको प्रेस लगा लेना। बैक को भी हमने इसी तरीके से हमने फोल्ड करना है। जितनी हमारी बुकरम थी उसके साथ हमने इसको फोल्ड किया, दोनों तरफ से हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरह हम बाकी अपने भी जो हमारी पट्टी है वो भी तैयार कर लेंगे एक के बाद एक। इसी तरीके से हम तैयार करते जाएंगे। 4 पट्टियां हमने दोनों ट्राउज़र की हमने 3.5 पे की हैं, और तकरीबन 4 पट्टी हमने जो कि 4.5 की हमने तैयार की है। 1 इंच एक हमने पट्टी जो है ना वो बड़ी रखी है। 4 पट्टी हमारी बड़ी है, 4 छोटी हैं, तो उनको भी इसी तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इसको सबको तैयार कर लिया। अब सब पे हमने इसी तरीके से कट लगा के एक के बाद एक हम इसकी पट्टी उसी तरीके से जैसे हमने बनाई थी उसी तरीके से अपनी पट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए, एक हमारी 4 इंच पे आ रही है, यहाँ से भी 4 इंच पे आ रही है, और ये हमारी तकरीबन 3.5 पे आ रही है। हाफ इंच हमने एक बड़ी रखी है और एक छोटी रखी है। इसी तरीके से एक के बाद एक हम पट्टी अपनी पूरी तकरीबन सारी तैयार कर लेंगे। 4 पट्टियाँ हमने इसकी 4 इंच की बनाई है और 4 पट्टी हमने इसकी 3 इंच की बनाई है। बाकी पट्टियों को भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे हमने पहले की थी। इस तरीके से बहुत ही सफाई से आपकी पट्टी तैयार होगी। साथ साथ आयरन का इस्तेमाल करते रहें, आयरन से बहुत सफाई आती है। चाहे तो इसके हाफ इसके ऊपर हल्की से हम ग्लू लगा के इसको बंद कर देते हैं, ताकि हमारी जो पट्टी ओपन है वो बंद हो जाए और हमें सिलाई लगाने में भी आसानी हो, और दोनों तय जो हमारी वो सिलाई में भी आ जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सब बना लिए हैं। उसको हम इसके ऊपर हल्की हल्की सी ग्लू लगा के इसको बंद कर रहे हैं। हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम ट्राउज़र के तकरीबन 4 इंच का हमने जो ट्राउज़र है उसको हमने इसको एक्स्ट्रा था तो हमने इसको इस तरीके से डबल किए तो 3.5 पे हम इसकी कटिंग करेंगे। हाफ इंच हमने जो बड़ी पट्टी है वो पहले लगाएंगे तो हाफ इंच हमने सिलाई में रखा है। इस तरीके से हमने इसकी डबल करके ट्राउज़र को हमने इसकी कटिंग कर दी, ये शेप आएगी। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसको भी हमने हल्का सा कट दिया है और इसको हम सीधा कर लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। किसी भी चीज़ की मदद से हम अब इसका कोना बिठा लें। मैंने इसको प्रेस कर लिया। हमें जो हमारा एक्स्ट्रा हमने हाफ इंच का हमने कपड़ा छोड़ा था हम उसको अंदर फोल्ड करके इस तरीके से हम आयरन करके सिलाई लगा देंगे। ये जो पट्टी है हम उसको इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले हम बड़ी वाली पट्टी रखेंगे 4 इंच की, तो उसके बाद हम दूसरी पट्टी रखेंगे। दूसरी तरफ हम इसी तरीके से एक के बाद एक पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे हमने ग्लू लगा के इसको हमने इसको बंद किया था, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी ग्लू ना हटे। अब देखें सिलाई लगाने में कितनी आसानी हो रही है। इस तरीके से हम पट्टी रखेंगे बिल्कुल ट्राउज़र के किनारे पे और एक के बाद एक हम दूसरी पट्टी दोनों रख के इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से ही रखेंगे, हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। एक पाँव के फासले पे हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारी एक्स्ट्रा अंदर से पट्टी थी उसकी हम इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमारा ट्राउज़र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये दरमियान में हम इसको पर्स लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।